बेहतरीन और खूबसूरत यहाँ पे है नज़ारे। ये देखिए ब्यूटीफुल सा डैम है, पहाड़ इधर पहाड़, सामने नदी है, यहाँ पे काल भैरव का मंदिर। चुके हैं चीसा पानी एंड बैक में जो ब्रिज दिख रहा है ये है चीसा पानी ब्रिज। मैं इनका लिंक जो है इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और काफ़ी अच्छा लगा मीट के और इनसे। और क्या हाइट है आपकी वैसे? नीला इलाका और बहुत एक घना जंगल और सब लोग हैं यहाँ पे। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, तो मस्ते फुल टू एंजॉय, एकदम गाड़ी फुल लोड है और हम लोग अभी नेपाल की दिशा की तरफ, नेपाल में घुसने की तैयारी शॉर्टकट लिया जा रहा है। ये देखिए घना जंगल, काफी पुराने पेड़ हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो अभी हम लोग अपना इंडिया का जो बॉर्डर है वो क्रॉस करने गए हैं, तो जो पेपर वर्क होता है वो पेपर वर्क अभी भाई दिखाने गए हैं और आरसी बीमा और डीएल वगैरह जो चेक होता है वो चेक अभी कराने गए हैं। चेक कराने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तो वही सीन है और चलते हैं एंड इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करते हैं। आगे जो भंसाल एंड जो भी प्रोसेस हो गया वो भी वन बाई वन बताएंगे, क्या प्राइस लगा क्या कुछ लगा। तो टाइम हो गया लगभग 12:04, तो इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, इसके बाद फिर नेपाल का, वो मज़ा आएगा। ऑलराइट, तो अभी हम लोग पैदल जो है बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं, जो एक ही बंदा कार को ड्राइव कर सकता है जो कि बॉर्डर के उस पार तक जाएगी। तो पीछे देखिए बैक में कुछ है बॉर्डर, उस साइड नेपाल की सीमा है, तो हम लोग वहाँ पर पैदल वहाँ तक जाएंगे जहाँ पर भीड़ लगी हुई है। तो भंसाल ऑफिस हम लोग आ चुके हैं बॉर्डर क्रॉस करके। ऑलराइट, तो अभी पेपर निकाल लिए गए हम लोग भंसाल की तरफ जा रहे हैं, तो ज़्यादा दिन का नहीं, हम लोगों ने डिसाइड ये किया है कि हम लोगों को केवल एक दिन के लिए जाना है, शाम तक वापस करना है गाड़ी को। तो ऐसा कुछ अभी पेपर बनाए भंसाल, इसके बाद मिलेगा कुछ डॉक्यूमेंट लिखने के बाद। तो भंसाल जो है बन के रेडी हो गया एंड वाइट पेपर और पिंक पेपर, तो हम लोग अभी निकलने के प्रोसेस में हैं। भाई साहब आप लोगों को दिखा रहे हैं कि मुर्गे को ले कैसे जा रहे हैं, भाई साहब उल्टा लटका दिया है, तो ये मुर्गे सोच क्या रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पे डाइवर्जन है, तो लिखा हुआ है क्या, डाइवर्सन। यहाँ पे रोड बंद है, यहाँ से घूम के हम लोग उस साइड जाना, तो ट्रक आ रहा है ये क्रॉस होगा एंड हम लोग जाएंगे इसके पार। कुछ हल्के हल्के से नज़ारे दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे माउंटेन आने वाले हैं ब्यूटीफुल सा। और ये हम लोग यहाँ पे नेपाल के एक रेस्टोरेंट पे रुके हुए हैं, यहाँ पे पानी आनी लेना है थोड़ा सा, और वो हमारा भाई सुचंदर गया पानी लेने के लिए, और वो हल्के हल्के पहाड़ दिख रहे हैं, वेदर अच्छा है यहाँ पे अभी। और प्रधान कैसा लग रहा है भाई? फीलिंग नॉट वेल बिकॉज अभी कुछ अच्छे सीन दिखे नहीं है। देखिए यहाँ पे बारदिया टाइगर रिसोर्ट, तो बारदिया टाइगर रिसोर्ट एंड हम लोग शीशा पानी की तरफ चल रहे हैं। तो आज का डेस्टिनेशन जो है अपना, बहुत देर से सरप्राइज को रिवील नहीं कर रहे थे, तो हम लोग चल रहे हैं शीशा पानी एंड यहाँ पे नेपाल में बहुत ही अच्छी प्लेस है, चल के वहाँ पे पूरा एक्सप्लोर करते हैं क्या है क्या नहीं है, वो डिप्लीस को दिखाएंगे। और ऑलमोस्ट यहाँ से 25 किलोमीटर बचा होगा, बहुत ज़्यादा, और पहुँचते हैं एंड माउंटेंस दिखने स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए सामने सब पूरे माउंटेंस दिखना स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम लोग शीशा पानी ऑलमोस्ट पहुँचने वाले थे कुछ देर पहले, तो ये पर्ची यहाँ पे पड़ती है बॉर्डर कटने के लिए, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था। UP 32 नाम की गाड़ी एक और भी थी और अपनी भी गाड़ी थी, और ये हमारे भैया यहाँ पे थे चेक पोस्ट पे, ये चेक पोस्ट था, यहाँ का मैडम है, कोई नहीं है मैडम है, ये भैया और इन्हें बोल दिया सॉरी। हाँ 40 टाइम और चेक। हाँ हाँ ओके एवरीथिंग इज ओके, स्टॉप स्टॉप डोंट यू डोंट सी द थिंग्स आई सी, आई टेल यू थिंग्स यू वोंट बिलीव। तो काफ़ी अच्छे नज़ारे यहाँ पे आ रहे हैं और हम लोग अभी पहाड़ के बीच में चल रहे हैं, सामने पहाड़ शुरू हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं बहुत। और हम लोग ये क्रॉस कर चुके हैं, हम लोगों को इसको क्रॉस करना था 35 पे, तो 35 ऑलमोस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे, हम लोगों को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना था, तो उसी की रफ्तार से चल रहे थे हम लोग, और इसको क्लोज करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे
जो है अपनी कार की फिर से पर्ची वगैरह चेक करनी होगी। ये देखिए यहाँ पे हिरन, दो हिरन है यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये देखिए हम लोग जिस्सा पानी आ चुके हैं और ये काफ़ी बेहतरीन और खूबसूरत यहाँ पे है नज़ारे। और ऐसा कुछ है मौसम, बादल, पहाड़, नदियाँ, डैम, सब कुछ है यहाँ पे। और ब्रिज खूबसूरती पे चार चांद लगा रहा है। ये देखिए नेपाली मुर्गा यहाँ पे। और हम लोग नेपाल के अंदर टहल रहे हैं और इतना कुछ खास लग नहीं रहा है अभी फ़िलहाल। तो हम लोग जिस्सा पानी आ चुके हैं, जो सामने जो डैम है वो उसका एक बार लुक चेक करिए। ये देखिए ब्यूटीफुल सा डैम है, पहाड़ इधर पहाड़, सामने नदी है, यहाँ पे काल भैरव का मंदिर और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कुछ वर्क हो रहा है। तो यही कहानी है अभी तक की और नेपाल में आपका स्वागत है। नेमिस भाई ब्लॉगिंग चल रही है क्या? और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ यानी कि बिस्सी बॉय के साथ। और ये प्रधान अपने रेड बुल के साथ आगे जाते हुए, इसके अंदर तो बालू है, बालू का जो सीन है काफ़ी अच्छा है। और बारिश में जो यहाँ से शायद चलता होगा तो ये अच्छा भी लगता होगा, एक छोटा सा वाटरफॉल जैसा काफ़ी अच्छा बांध के रखा है इन पत्थर और तार से, पूरा पत्थर बांध के रखे हैं ताकि ये सब नीचे ना आए। ढलान काफ़ी ज़्यादा है और इधर बर्फ चल रहा है कुछ, नीचे जाने का कुछ जुगाड़ देख लें या तो पत्थर से ऐसे पकड़ पकड़ के नीचे जाना पड़ेगा। अब दिखाते हैं ये जो नाव, यहाँ की जो नाव है, नाव जो बनी है अपने यहाँ की, देखा होगा नाव बनाई जाती है लकड़ी की है, ये भी लकड़ी की ही पर इसमें पूरा जो है पेड़ कटा होता है, पूरा पेड़ काट के और उसको ये लोग बीच में खोखला करके उसको आकृति दे देते हैं नाव की। ये देख रहे हो रॉकेट जैसी नाव है, बिल्कुल पूरा पेड़ है। ये है नाव। Above the skies overseas, I hear them all those places calling me. To never give up, to never back down, you get through the storm. तो अपनी डेस्टिनेशन पर फाइनली पहुंच चुके हैं जिस्सा पानी। एंड बैक में जो ब्रिज दिख रहा है ये है जिस्सा पानी ब्रिज, और ब्रिज पे भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराएंगे। एंड यहाँ की जो फ़ोटोज़ एंड वीडियोस एंड रील्स जो हैं वो मिलेंगी इंस्टाग्राम पे आपको। और तगड़ी जगह एंड वाटर जो है इतना साफ़ है, नीट एंड क्लीन है, इतना बढ़िया है। और सामने जस्ट अभी हम लोग क्रॉस करके आए हैं, थोड़ा सा यहाँ से इस साइड में जब आप जाएंगे इस वाली साइड में तो यहाँ पे से इंडिया चालू हो जाता है थोड़ी दूर पे। और अभी हम लोग नेपाल में हैं, आगे का जो भी प्लान होगा वो मालूम चलेगा। अभी फ़िलहाल हम लोगों को लगी है तगड़ी वाली भूख, तो थोड़ा सा कुछ खाते पीते हैं एंड उसके बाद यहाँ से आगे का प्रोग्राम सेट करते हैं। एंड सबसे अच्छी बात रेडबुल यहाँ पर सस्ती मिलती है और डीजल पेट्रोल का रेट इंडिया से कम है अकॉर्डिंग टू इंडियन करेंसी। वैसे तो हाई है लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडिया करेंसी अपना कम है, कुछ 10-20 रुपए के आसपास। तो अभी हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर से इंजॉय कर रहे थे, कुछ टाइम लैप्स एंड जो वीडियोस हैं वो आपने इंजॉय करे होंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने का प्लान बना रहे हैं, कुछ खाते पीते हैं। एंड यहाँ पर नेपाल में हर शॉप पर आपको बियर, दारू और जो भी ए टू जेड होता है, सब वाई नाइन वोट का सब कुछ मिलेगा आपको, फुल टू एकदम चिल मारने वाली जगह है। ऑलराइट, तो अभी हम लोग नीचे से जस्ट ऊपर आए हैं एंड यहाँ पे हम लोगों को नेपाल के जो सबसे छोटे व्यक्ति हैं वो मिले हैं। तो थोड़ा नाम वाम पूछते हैं, डिटेल पूछते हैं, तो बोलते हैं कि टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। टिकटॉक अभी यहाँ पे चल रहा है, टिकटॉक चल रहा है तो इंडिया में तो बैन हो चुका है। क्या नाम है वैसे आपका? मोरास। मोरास, अच्छा। क्या इंस्टा आईडी क्या है आपकी? राज ठाकुर। राज ठाकुर, ओके। तो आप नेपाल के सबसे छोटे व्यक्ति हैं, अच्छा अच्छा। तो फॉलो कर लीजिएगा जिसने नहीं किया है, और मैं इनका लिंक जो है इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और काफ़ी अच्छा लगा मीट के और इनसे। और क्या हाइट है आपकी वैसे? 3 फीट। तो 3 फीट के हैं और काफ़ी अच्छा नेचर भी है, अभी हमने जस्ट बोला तो काफ़ी कम्फर्टेबल हैं सब बात करने में सब कुछ। तो एक बार जाके इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो जरूर कर दीजिएगा। 1,00,000 यहाँ की फिश जो है फ्राइड फिश, कौन सी फिश यहाँ पे फेमस है भाई?
जो नदी अभी हम लोग देख के आए हैं वो नदी की फिश है, ड्राई फिश है ये। टेस्ट बहुत अच्छा है। बोनलेस है कि बोन वाली है? बोनलेस नहीं है, बेहतरीन बेहतरीन टेस्ट आ रहा है, एकदम गजब का टेस्ट, मजा आ गया। अभी माहौल भी अच्छा ही कहता है क्योंकि पहले तो माउस था, लोग वार था, जगह जगह में फाइट हो रहा था, अब कुछ नहीं, बहुत क्लियर है, अभी दोस्त गया था, बहुत अच्छा है। आप लोगों को कहीं भी जाएंगे तो सम्मान होगा। अब तो नहीं तो हमारे तो गेस्ट मतलब अपना आपस में था, इंडिया और उसका था, कुछ क्या नहीं चाइना वालों से, चाइना करता रहता है लेकिन इंडिया और नेपाल कभी कुछ नहीं हुआ। एक एक छोटी सी बहस हो गई थी इंडिया चाइना की, इंडिया नेपाल है अपना, मतलब हम किसी उसको नहीं, नेपाल है ब्रदर, स्मॉल नो स्मॉल नो बिग, जस्ट ब्रदर, आवर फीलिंग विद होल कंट्री इंडिया फॉर मी, वी आर ब्रदर्स, another mother from another mother, nine same mothers, no culture same, everything is same, yes, everything same, two brother, we love Nepal very much, but sometimes we think that China oh, mein very dangerous person, so China is like a shakuni, shakuni right character is here। ऑलराइट तो अभी यहाँ पे छोटा सा एक स्टॉपेज लिए थे यहीं नियर बाई, तो न्यू डॉल्फिन करके एक रेस्टोरेंट है भैया का है, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पदम भंडारी। पदम भंडारी, तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके थे तो काफ़ी अच्छा मतलब बढ़िया है ओवरऑल, एक बार आते हैं यहाँ पे आप तो एक बार जरूर आइएगा, और बाकी इनका जो बाकी सब लोग 5 स्टार दे रहे तो मतलब अच्छा होएगा ही, तो सबको स्वागत। गूगल मैप में इनका जो लोकेशन अगर मिलेगा तो मैं डाल दूंगा। और ये हम लोगों ने पूरा अभी हमने ये अंडे खरीदे हैं देसी मुर्गे के, आई थिंक मुर्गे के ये समथिंग वही 480 रुपये के यहाँ पे हैं, लेकिन हम लोगों को 300 रुपये का पड़ा है, इंडियन रुपीस में 300 रुपये की है पूरी ये कैरेट। फुल मस्ती था।